हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस। हम चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ रहे हैं। नाउ रिसेंटली इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हेलो डियर फ्रेंड्स, वी नो वेरी वेल वन कॉमन और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इन दिस इक्वेशन ए बी सी ऑल आर रियल नंबर्स एंड द मेन कंडीशन इज दैट ए नेवर बिकम जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, बट फॉर द डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी के लिए दो संभावनाएं हैं। यदि ये डेल्टा पॉजिटिव मिलता है तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी रियल होता है, और यदि डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो सो इट रूट्स और द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी इमेजिनरी और नॉन रियल। हम आज इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो नॉन रियल रूट कैसा होगा? तो एक्स बी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट फोर ए सी माइनस बी स्क्वेयर इंटू आई डिवाइड बाई टू ए। वैसे तो बीज ही रूट ई होता है। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी अपन टू यही होता है, लेकिन जब नॉन रियल की बात होती है तो माइनस के बदले हम क्या ले लेते हैं, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, ये माइनस आई वन के बदले आई स्क्वेयर। एक एग्जांपल के जरिए हम पढ़ेंगे। लेट्स सी इलस्ट्रेशन नंबर 9 विच इज डू योर सेल्फ। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। सॉल्व एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। हमें इसे सुलझाना है तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर, हियर वी हैव ए इज इक्वल टू वन बी इज इक्वल टू वन एंड सी इज इक्वल टू वन। सो डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी वन स्क्वेयर माइनस फोर इंटू वन इंटू सी ऑल्सो वन 1 माइनस फोर विच इज इक्वल टू माइनस थ्री जो कि नेगेटिव है। तो उस वक्त हम डेल्टा के बदले क्या लें, माइनस वन के बदले क्या लेंगे, 3 आई स्क्वेयर। माइनस वन के बदले हम ले लेंगे आई स्क्वेयर। ओके दोस्तों, नाउ द सॉल्यूशन एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट अपन टू इंटू ए माइनस ऑफ माइनस वन प्लस और माइनस रूट ऑफ थ्री आई स्क्वेयर डिवाइड बाई टू इंटू ए इज इक्वल टू वन। बी इज इक्वल टू एक्चुअली वन है तो यहाँ पर वन लेंगे हम। माइनस वन प्लस और माइनस रूट थ्री आई, आई अलग से लिखना है दोस्तों, रूट के अंदर में ना आ जाए, ध्यान में रखना है। तो ये होगा सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माइनस वन प्लस और माइनस रूट थ्री आई डिवाइड बाई टू। क्लियर दोस्तों? थोड़े से और भी क्वेश्चन है इन एक्सरसाइज 5.3 में, हालांकि सभी क्वेश्चन आपको ही करने हैं, मैं थोड़े से क्वेश्चन में आपकी मदद कर दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 7 में हम प्रैक्टिस करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 जो है वो आपको ही प्रैक्टिस करनी है। इसमें हम एग्जाम्पल नंबर 7 में बात करेंगे 1 to 10 इक्वेशन जो है तो आपको खुद ही सॉल्व करने हैं।
एग्जाम्पल सेवन की बात करते हैं तो रूट टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो। सब में दोस्तों एक ही कॉमन पैटर्न है, सो लेट कंसिडर ए इज इक्वल टू रूट टू, बी इज इक्वल टू वन एंड सी इज इक्वल टू रूट टू। यदि ये डिवीजन में है तो हमें एलसीएम लेना है, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में लाना है सबसे पहले, फिर उसके बाद में डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, वन स्क्वेयर माइनस फोर इंटू रूट टू इंटू रूट टू, वन माइनस फोर इंटू फोर हो जाएगा सिक्सटीन माइनस फिफ्टीन, सो माइनस फिफ्टीन के बदले इस माइनस वन के बदले हम अलग करेंगे तो फिफ्टीन आई स्क्वेयर। ओके दोस्तों, नाउ इट्स सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट डेल्टा अपन टू ए। सो माइनस बी मीन्स माइनस वन प्लस और माइनस अंडर रूट फिफ्टीन आई स्क्वेयर अपन टू इंटू ए इज इक्वल टू रूट टू। सो फाइनल रिजल्ट इज माइनस वन प्लस और माइनस आई रूट फिफ्टीन भी लिख सकते हैं, फिफ्टीन रूट आई भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाई टू रूट टू। और भी कुछ हम करना चाहते हैं यदि रूट टू को डिवीजन में नहीं रखना है तो ये जो रूट टू है वो सर्ड है, तो हम रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। सो माइनस रूट टू प्लस और माइनस आई अंडर रूट थर्टी डिवाइड बाई फोर, ये भी कह सकते हैं और ये भी रिजल्ट हम ला सकते हैं, दोनों ही सही आंसर है। क्लियर दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको इस टॉपिक में अच्छी तरह से समझ आ गई है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ओके, सम अलग टाइप के जो क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा एक्सरसाइज 5.3 के बाद में। स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बात टॉपिक बढ़िया है। दोस्तों स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की जब हम बात करेंगे तो हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। लेट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक विथ रेफरेंस बाय इलस्ट्रेशन नंबर 12। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ माइनस सेवन माइनस 24। दोस्तों लेट कंसीडर स्क्वायर रूट ऑफ माइनस सेवन माइनस 24 आई इज जेड, तो इसका ये मतलब होगा कि जेड का जो स्क्वायर करेंगे तो वो होगा माइनस सेवन माइनस 24 आई। व्हाट इज जेड, लेट कंसीडर जेड इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई। सो हियर जेड इज रिप्लेस बाय एक्स प्लस आई वाई, जिसका हमें स्क्वायर लेना है माइनस सेवन माइनस 24 आई। दोस्तों हमें एक्स एंड वाई ही फाइंड करना है, क्या आप समझ रहे हैं? इसका जो स्क्वायर रूट है वो है जेड, तो जेड का स्क्वायर ये होगा, इसलिए हमने इस तरह से लिखा। तो एक्स स्क्वायर होगा, ये मिडल टर्म होगा टू एक्स वाई आई, एंड फाइनल टर्म होगा आई स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस सेवन माइनस 24 आई। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई आई इज इक्वल टू माइनस सेवन माइनस 24 आई। दोस्तों दोनों साइड से हमें कंपेयर करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सेवन इक्वेशन नंबर वन, एंड टू एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 24, और एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 12 भी कह सकते हैं इक्वेशन नंबर टू। दोनों को यूज करके, हालांकि इसे भी इक्वेशन टू ही नाम दे सकते हैं, दोनों को यूज करके हमें एक्स एंड वाई फाइंड करना है, ध्यान दीजिएगा बहुत ही अच्छी तरह से। सो इफ यू वॉन्ट टू फाइंड एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, तो इसका हम स्क्वेयर करेंगे, तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर रो होल स्क्वेयर, दोनों टाइप सेम ही टर्म्स है, लेकिन
दोनों के मिडिल टर्म में चेंजेस है। मिडिल टर्म में यहाँ पर माइनस टू होगा, यहाँ पर प्लस टू होगा, तो उसे प्लस करने के लिए मुझे प्लस फोर एक्स वाई होल स्क्वायर एड करना होगा। समझ रहे हैं दोस्तों? ओके, ये जो वैल्यू हमें मिली वो आप ध्यान दीजिए, माइनस सेवन वैल्यू है ये, है ना? तो यहाँ पर हमें लेना होगा माइनस सेवन का स्क्वायर प्लस फोर इंटू एक्स वाई का जो मतलब है वो है दोस्तों, एक्स वाई का जो मतलब है वो माइनस ट्वेल्व है, तो ये माइनस ट्वेल्व और इसका हमें स्क्वायर लेना है। तो ये वैल्यू होगी 49 प्लस 12 फोर जा 48 जिसका स्क्वायर होगा 576, तो ये कुल मिला के 625 वैल्यू होगी। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, वी विल टेक दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर का समेशन ऑलवेज बी पॉजिटिव, इसीलिए यहाँ पर प्लस और माइनस 25 आने पर भी हमने ओनली 25 लिया है और ये होगा इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सेवन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अच्छा, यहाँ पर जो वैल्यू है वो है माइनस, है ना? यहाँ पर एक माइनस वैल्यू है। दोनों का जब एडिशन करेंगे तो देखिए वाई स्क्वायर कैंसल, 2x² इज इक्वल टू 25 माइनस 7 विच इज 18, देयरफॉर x² इज इक्वल टू 9, सो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3, रिमेंबर इट। एंड यदि दोनों का हम सब्ट्रैक्शन लेंगे, फॉर एग्जांपल x² माइनस y² इज इक्वल टू माइनस 7, x² प्लस y² इज इक्वल टू 25, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये कैंसल, माइनस 2y² इज इक्वल टू माइनस 32, सो y² इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4, ये वैल्यू हो गई y की। अब हमें x एंड y क्या चॉइस करने होंगे, तो वी नो वेरी वेल इक्वेशन नंबर जो 2 है वो ये बताता है xy इज इक्वल टू माइनस 12। जब दोनों का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव हो तो इसका ये मतलब होगा कि एनी वन ऑफ देम मे बी नेगेटिव, कोई भी एक नेगेटिव है, तो इसका ये मतलब होगा इफ एक्स इज इक्वल टू 3 देन वाई इज इक्वल टू माइनस 4 एंड इफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 देन वाई इज इक्वल टू 4। सो रूट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज जेड इज इक्वल टू 3 माइनस 4i एंड जेड इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4i, तो ये दोनों होंगे रूट्स। क्लियर दोस्तों? एकदम से क्लियर? मेरे ख्याल से आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, लेकिन हम आज के वीडियो में और क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस के लिए नहीं देता हूँ, सिर्फ 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए देता हूं, एक्सरसाइज 5.4 के एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें, बाकी के थोड़े से क्वेश्चन में हम साथ में मिलकर प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। क्लियर? मेरे ख्याल से इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ में हम नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू।